ना धीरता ना रे किस खानदान का है, माँ बाप क्या करते? अरे मेरी नजर कब से इस पर टिकी हुई है। अपनी स्वीटी की बात चलाएं क्या इसे? ये मेरी चाची है, ये मेरी बुआ। सुन, अपने इस दोस्त के बारे में कुछ और तो बताना। क्यों, स्वीटी की बात चलानी है? सोचे भी मत। अरे जिसकी शादी में आए हैं उसकी बात कीजिए ना, और उसकी छोड़िए, वो तो किसी और का होने वाला है। किसका? तेरा? अच्छा ठीक है, भाई साहब से तेरी बात चला देती हूँ। अरे पुण्य मिलता है किसी की शादी कराने से, समझी? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, कितनी बार कहूँ, जिसे देखो शादी करा कर पुण्य कमाने में लगा। अर्जुन पिक अप द कॉल प्लीज। कितना दूर है सनातन नगर? बस मैडम पहुंचने ही वाले हैं। सुनो मास्क ऑफ करो ना। उर्वा की चार मिस्ड कॉल। आई होप सब कुछ ठीक हो। कितनी सुंदर लग रही है ना दीदी इस लहंगे में। बिल्कुल परी की तरह, जैसे तुम्हारे जीजू चाहते थे। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया, थैंक यू वेरी मच। अब प्लीज रोना मत, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। आंसुओं को कहो कि वक्त से पहले नो एंट्री, विदाई का समय फेरों की बात कर। विदाई, अगर सब कुछ ठीक होता तो दीदी आज मेरी पसंद की हुई कार में बैठकर ससुराल जाती। खैर, अरे लक्ष्मी, अरे यहाँ खड़ी क्या कर रही है तू? अरे जयमाला का समय हो गया, चल ना, चल आ। अर्जुन साहब को मैंने यहीं पर छोड़ा था। ये तो चार रास्ता है, अर्जुन कहाँ गया होगा? गोपी, तुमने अर्जुन सर को किस डायरेक्शन में जाते हुए देखा था? मैं तो उनको यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। अर्जुन साहब, हेलो। गोपी, तुम्हें मेरा एक काम करना है। पर मैं यहाँ पर वो बार कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ओके? जी साहब। और सुनो, एक घंटे से पहले पहले यहाँ पहुंच जाना, लेट मत होना। जी साहब, ठीक है। क्या कहा, क्या कहा अर्जुन सर ने? जी, उन्होंने कहा है कि मैं घर जाके बड़े साहब की नई गाड़ी फूलों से सजा के एक घंटे में उनके दिए पत्ते पर ले जाऊँ। कौन सा पता? जी पता दिखाओ मुझे, एक मिनट। ये लो, तुम एक काम करो,
तुम घर जाओ और अर्जुन सर ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा करना, ठीक है? जी ठीक है। बढ़ाऊं एक्स्ट्रा खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके अलग से पैसे लगेंगे। बताइए मैं क्या करूं, पैसे देते हैं हमें? मुखंदी बाबू, मैं आपको एडवांस में सारे पैसे दे चुका हूं, अब ऐन वक्त में मैं एक्स्ट्रा पैसे कहां से लाऊं? मैं कुछ नहीं जानता। 100 लोगों के इंतजाम में आप 120 130 लोगों खाना खिलाना चाहते हैं? अरे भाई इतने ज्यादा भी तो बराती नहीं है। जाइए गिनिए, जाइए, मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, बेइज्जती आपकी होगी। इतनी सी बात के लिए आप पैसों का मुंह देख रहे हैं? बारातियों की गिनती करेंगे आप? एक मिनट, पहले तो आप इनसे तमीज से बात कीजिए, लड़की के पिता हैं। और रही बात आपकी गिनती की, कितने लोग ज्यादा हैं? 35 40 गिनूं मैं जाकर? घर वालों को मिलाकर 90 लोग भी नहीं है यहाँ। झूठ बोल रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? बेटी की शादी में पैसा बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। माफी मांगिए इनसे। जी मुझे माफ कर दीजिए विनोद बाबू। माफी आफी भूल जाइए, जाकर मेहमानों को अच्छी तरह से खाना खिलाइए। जाइए। अरे इसने तो परेशान कर दिया था। अच्छा हुआ तुम आ गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं अंकल प्लीज, थैंक यू मत कहिए। आप जाइए, फेरों का समय शुरू होने वाला है। हाँ मैं यहाँ सब समझ। ठीक है। आपने किसी को पुकारा? हम पहले मिल चुके हैं, राइट? ओ हाँ, गोलगप्पे की शॉप में। ओ या, हाय, आई एम पूर्वा। मैं लक्ष्मी। जानती हूँ। आप किसी को बुला रही थी ना? हाँ, अर्जुन को। अर्जुन? लक्ष्मी, वो बुआ बुला रही तुम्हें। हाँ लेकिन पूर्वा। हाँ मैंने तो बुलाया नहीं। तुम जाओ ना, बुआ बुला रही है, कुछ जरूरी काम है उन्हें, जाओ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और करती भी क्या, तुम फोन जो नहीं उठा रहे थे। बुआ आपने बुलाया? मैंने? मैंने तुझे कहाँ बुलाया, बल्कि मैं तो अजय को ढूंढती हूँ, चली आई। वो देख वो रहा। अरे लक्ष्मी बेटा जरा उसको जाके बोलना, घर के पिछले हिस्से की बत्ती चली गई है, जरा जाके फ्यूज चेक कर दे। हाँ जल्दी बोलना। हाँ अरे जाना। तुम्हें पता है घर में सब कितने टेंस्ड है, और तुम्हें जरूरत क्या थी आरवी अंकल के खिलाफ जाकर शेयर खरीदने की? टेल मी। जरूरत थी। यू नो आई जस्ट कांट बिलीव दिस, तुमने अपनी ही कंपनी के 2.5 करोड़ का नुकसान करवा दिया।
मैम अंकल इज रियली एंग्री, अब तुम ही चलकर उनको जवाब दो। चलो। नहीं कुर्बा, मैं अभी नहीं आ सकता। अर्जुन आई थिंक तुम इस सिचुएशन को बहुत लाइटली ले रहे हो। तुम अंकल का गुस्सा जानते हो ना, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक तुमसे बात नहीं करेंगे वो सोने वाले नहीं है। He wants an explanation कि उनके मना करने के बाद भी तुमने VN Steels के शेयर्स क्यों खरीदे। चलो चलकर उनसे बात तो कर लो। बात तो सुन, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था लक्ष्मी। तो बताया क्यों नहीं अब तक? मेरे 2.5 लाख के फायदे के लिए तुमने अपनी कंपनी का 2.5 करोड़ का नुकसान करा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? नौकरी? और नहीं तो क्या, जो तुमने किया है उससे सबसे पहले तुम्हारी नौकरी जाएगी। बता रही थी पूर्वा जी, तुम्हारे बॉस तुमसे बहुत नाराज है। वो हाँ हाँ, वो क्या, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। क्यों, दोस्ती की है ना? दोस्ती की है क्या मतलब तुम्हारा? दोस्ती की है तो क्या जान दे दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो। जान दे दोगे? एकदम इडियट हो तुम, ये सब किताबी बातें होती है। मैं भी तो कह सकता हूँ कि तुम्हारा सपना किताबी है, लेकिन मैंने माना तुम्हारा सपना सच होगा। देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। बड़ा हौसला आ गया तुम्हें मेरे साथ रहते रहते। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हें डरा रही हूँ कि आगे क्या होगा, जबकि तुम्हें तो कहा आज सुबह जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं शिवजी उनके साथ बुरा कभी नहीं करते। अरे अजय जरा अंदर चल के देखो ना क्या तकलीफ है, अब रसोई की भी बत्ती गुल हो गई है। वो शायद फ्यूज जलेगा। हाँ। आप चलिए मैं आता हूँ। अरे तो मेरे साथ चलो ना, रसोई में अंधेरा अच्छा नहीं लगता ना। अरे आओ आओ चलो, तुम सोच के आ रहे हो, चलो जल्दी। अरे आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, आइए ना बैठिए। आज मेरी दीदी की शादी है और आप हमारी गेस्ट हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। सुनो नो इट्स ओके फाइन। राज सर, मेरा मतलब अर्जुन के पापा बहुत नाराज हैं। तुम जानती हो ने? एक आध बार देखा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आप उन्हें अंकल कह रही थी, आप काफी क्लोज होंगी ना, तो आपको क्या लगता है? माफ कर देंगे? कह नहीं सकते, बिकॉज आरबी अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, इज वेरी स्ट्रिक्ट, और आज कुछ ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अगर आप सिफारिश कर दे तो शायद। मैं कोशिश करूं। सच? तुम्हें बहुत फिक्र है उसकी? हाँ, लेकिन उसे मेरी ज्यादा फिक्र है। बहुत पागल है, अगर मुझे पता होता ना मैं उसे कभी ऐसा नहीं करने देती। क्यों ना? तुम बहुत स्वीट हो। अर्जुन इज रियली लकी कि उसे तुम मिली। अर्जुन, पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। मैंने तो पूर्वा को बताया भी नहीं कि यहाँ मैं आ जाऊँ। अर्जुन ने कहीं उसने लक्ष्मी को कुछ बोल दिया तो? इसका मतलब आप मेरे और अर्जुन के बारे में जानती हैं? अरे चलो चलो लड़कियों, फिर शुरू होने वाले हैं होली बरसाने। चलो रामा दे 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 दे
आपको किसने बताया? क्या मेरे और अर्जुन के बारे में? खुद उसी ने। और किसने? उसने किसने? ये अजीब ही ना, कुछ नहीं पचता इसके पेट में। क्या जरूरत थी पूर्वा से कहने की कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ? कितना बुरा लगा होगा उसे, आखिर वो भी तो। ना धीरता ना रे।